जम्मू यूनिवर्सिटी में आज से 5 दिवसीय इंटर यूनिवर्सिटी नॉर्थ जोन यूथ फेस्टिवल अंतरनाथ 2023 का आगाज हो चुका है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा इस दौरान मुख्य अतिथि रहे। उन्होंने इस फेस्टिवल का उद्घाटन किया। इस अवसर पर विश्वविद्यालय के उपकुलपति प्रोफेसर उमेश राय सहित अन्य भी उपस्थित रहे। आपको बता दें कि इंटर यूनिवर्सिटी नॉर्थ जोन यूथ फेस्टिवल के 36वें संस्करण की मेज़बानी जम्मू यूनिवर्सिटी कर रही है। इनमें 18 से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ और 1000 प्रतिभागी हिस्सा ले रहे हैं। कार्यक्रम में विभिन्न गतिविधियों में साहित्यिक कला में प्रतिभागी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। इस अवसर पर उपराज्यपाल ने कहा कि विश्वविद्यालय राष्ट्र निर्माण में योगदान देने के साथ साथ बहुलतावादी संस्कृति और धर्मनिरपेक्षता के लिए संकल्पबद्ध है। उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति ने शिक्षा प्रणाली को फिर से परिभाषित किया है और ज्ञान विज्ञान और कला के बीच संतुलन बनाया जा रहा है। संगीत का सिर्फ पैदा कब होता है? उसका वादक ने कहा कि संगीत तो तब पैदा होता है जब तार न तो कसे हों न छिदे हों, एक ऐसी अवस्था जिसे हम मध्य बिंदु कहते हैं। प्रोफेसर साहब ने उस कलाकार का धन्यवाद किया, विद्यार्थियों की तरफ देखा और उन्होंने कहा जो सितार का नियम है वही शिक्षा का भी नियम है। सही मायनों में शिक्षा विद्यार्थी तभी ग्रहण कर पाता जब सभी विषयों में सब्जेक्ट के तार न तो बहुत ढीले होते हैं और न ही बहुत कसे हुए होते हैं। ज्ञान विज्ञान और कला के तार जब मध्य बिंदु पर होते हैं तभी शिक्षा और जीवन दोनों में संगीत पैदा होता है। मैं समझता हूँ जीवन का परिपूर्ण संगीत तभी उपलब्ध हो सकेगा जब ज्ञान और कला का एक उचित बैलेंस हमारे मस्तिष्क में उन्नत होता रहेगा। सच पूछिए तो यह सबसे बड़ी सीख हमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति में मिलती है जिसने पूरे शिक्षा प्रणाली को एजुकेशन सिस्टम को रीडिफाइन करने का काम किया है। युवा साथियों जब भी आप इस महान देश की सभ्यतागत एवं सांस्कृतिक विरासत को देखेंगे तो आपको एकीकृत नजर आएगी। हमारा सांस्कृतिक इतिहास हर राज्य का रहन सहन समाज के विभिन्न आयाम सभी कुछ अलग होते हुए भी एकीकृत है और इसीलिए विविधता में एकता यही है भारत की विशेषता। अगर हम सिर्फ यह मानकर चलते हैं मात्र ज्ञान विज्ञान से समाज में समृद्धि आएगी तो यह हमारी बहुत बड़ी भूल है। ज्ञान के साथ भीतर काम करना भी आवश्यक होगा और इसलिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति कहती है ज्ञान के शिखर के साथ विद्यार्थी को कला खेल कूद की गहराई में भी उतरना होगा, तभी व्यक्तित्वों का विकास होगा, आपके व्यक्तित्व को परिपूर्णता मिलेगी। मैं विश्वविद्यालय के कुलपति जी को विश्वविद्यालय के सभी प्राध्यापकों को हृदय से बधाई देना चाहता हूँ कि आपने जो आयोजन किया है निश्चित रूप से आने वाले दिनों में जम्मू कश्मीर को नई ऊंचाई पर ले जाने में मदद करेगा। अगर आप देखें तो अगर भौतिक शास्त्र का विद्यार्थी फिजिक्स का स्टूडेंट क्लास और लैब में इतना उलझा रखना पेंटिंग और थिएटर छूट गया था। शीर्षक रखा है अंतरनाथ, अंतरनाथ यानी मन की आवाज। अंतरनाथ तब सुनाई पड़ता है जब आपके अंदर कोई स्वर संगीत उठे, जब आपके अंदर की दुनिया कला से भर जाए। लेकिन अंतरनाथ तभी पैदा होगा जब हम विश्वविद्यालयों को क्रिएटिविटी रचनात्मक विचारों का केंद्र बनाएंगे, उन्हें व्यक्त करने के लिए विद्यार्थियों को अंतरनाथ जैसे कार्यक्रमों द्वारा अधिक से अधिक अवसर प्रदान करेंगे। आप सबको भाग्यशाली है एक ऐसे समय में जो देश के सम्माननीय प्रधानमंत्री जी ने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के रूप में आपको एक अमूल्य उपहार दिया है जिसमें इन सभी चीजों को समायोजित किया गया है। इस अवसर पर मैं संक्षेप में आप लोगों से कहना चाहूंगा कि बचपन में मैंने एक कहानी सुनी थी, उस कहानी का जिक्र मैं करना चाहता हूँ। ये 10-15 साल पुरानी बात है। मुंबई में सितार वादन का एक कार्यक्रम हो रहा था। कार्यक्रम खत्म हुआ, लोगों ने तालियां बजानी शुरू कर दी। वहां प्रोफेसर साहब भी अपने विद्यार्थी के साथ थे। जब वो कलाकार लोगों से विदा
लेकर ग्रीन रूम में चले गए तो प्रोफेसर साहब ने सभी विद्यार्थियों को लेकर वहां प्रोफेसर साहब लेकर गए, उनसे मिले। प्रोफेसर साहब ने कहा कि भाई पहली बात तो मैं अपने विद्यार्थियों को तुम लोगों से मिलाने लाया हूँ, दूसरी बात आपसे पूछने आया हूँ कि अगर सितार के तार ढीले हों तो क्या संगीत पैदा होगा। सितार वादक हंसने लगा, उसने कहा कि आप नहीं कौन। उन्होंने कहा कि मैं प्रोफेसर हूँ, अपना नाम बताया उन्होंने और ये भी बताया कि विश्वविद्यालय में मैं पढ़ाता हूँ। तब सितार वादक ने कहा कि सितार के तार अगर ढीले हों तो प्रोफेसर साहब संगीत नहीं पैदा होगा, अगर सितार के तार ढीले हों तो उसमें टंकार नहीं हो सकता। प्रोफेसर साहब ने विद्यार्थियों की तरफ देखा और मुस्कुराए, फिर पूछा कि अगर तार बहुत कसे हुए तो क्या संगीत पैदा होगा। सितार वादक ने कहा कि बहुत कसे हुए तार प्रोफेसर साहब टूट जाते, उनसे भी संगीत पैदा नहीं होता। एक ऐसे भाव से जो बाहर से लोग आए हैं स्वागत करेंगे, तो जब यहां से वापस आए तो सदैव याद करें कि जम्मू कश्मीर के लोगों के रंगों में जो आतिथ्य का भाव है वो देश के दूसरे कोने में शायद न मिले। मैं फिर से एक बार आयोजकों को, जिनका जिक्र कुलपति जी ने किया, उनके परिश्रम की भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं और उम्मीद करता हूं कि ये अंतर्नाद कार्यक्रम महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजन जो आप कर रहे हैं वो सफलता के चरम पर पहुंचेगा। युवा साथियों, समाज की समृद्धि का रास्ता शिक्षण संस्थानों से होकर ही गुजरता है और इस समृद्धि के लिए ज्ञान एवं कला दो मुख्य प्रेरक है। मुझे जब भी विद्यार्थियों से संवाद का अवसर मिलता है तो मैं बात कहता हूं, ज्ञान विज्ञान आपको दुनिया भर के तथ्यों की जानकारी उपलब्ध कराएगा और उस हिसाब से देखा जाए तो आपकी पढ़ाई लिखाई तथ्यों की खोज है, लेकिन उसकी अभिव्यक्ति कला की विभिन्न विधाओं के माध्यम से ही हो सकती है और इसीलिए ज्ञान विज्ञान और कला न सिर्फ एक दूसरे के पूरक हैं बल्कि आपकी यात्रा में कैसे हम सफल हैं जिनके बिना आपकी शिक्षा एवं उसके आगे की यात्रा पूरी नहीं हो सकती। चाहे वो म्यूजिक हो, डांस हो, ड्रामा हो, फाइन आर्ट्स हो, ये सभी विधाएं उस झरोखे की तरह होती हैं जो हमारे बाहर और भीतर की दुनिया का द्वार खोल देती है और सोचने विचारने की क्षमता को और मजबूत बनाती है। और इसलिए मैं विद्यार्थियों से कहना चाहूंगा, किसी भी राष्ट्र के विकास के लिए उसकी बुनियादी नींव में ज्ञान और कला, इन दोनों का उचित सामंजस्य बहुत आवश्यक है। मुझे नए प्रोग्रेस पर ध्यान ही नहीं रख पा, इस विरोध को समाप्त करते हुए नई शिक्षा नीति विद्यार्थी के अंतर और बाहर एक संतुलन, एक सेतु बनकर आया। पहली बार ज्ञान विज्ञान को हम शरीर और कला को मन के रूप में देख रहे हैं। मैं मानता हूं राष्ट्रीय शिक्षा नीति किसी भी विद्यार्थी को टुकड़ों टुकड़ों में नहीं देखती बल्कि उस विद्यार्थी की अखंड प्रकृति को स्वीकार करके उसे जीवन में सफल बनाने की प्रेरणा देता है। युवा साथियों, अंतर्नाद जैसा अवसर सिर्फ आपके अंदर छिपे हुए प्रतिभा को ही नहीं सामने लाता बल्कि आपको नई खोज और कल्पना के लिए भी प्रेरित करता है। बहुत से लोगों ने शायद महाराजा भर्तृहरि का नाम सुना होगा, वह उज्जैनी के राजा थे। आज उनकी गणना एक महान संस्कृत के कवि के रूप में होती है। उन्होंने लिखा है, संगीत एवं कला इंसान के अंदर मन को निश्चित रूप से एक नई ताकत देता है और मन ही है जो हमें बाकी जीवों से अलग करता है। इसलिए मैं हमेशा विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास की बात करता हूँ। मैं चाहता हूँ हर एक विद्यार्थी त्रिवेणी बन जाए जिसमें ज्ञान भी हो, विज्ञान भी हो, कला भी हो, तीनों धाराएं मिलकर के उसे संगम बनाए। एक बार पुनः इस कार्यक्रम की सफलता
कि आप सबको शुभकामनाएं देता हूं, आप सभी अंतरनाथ को सुने और इस पांच दिवसीय कार्यक्रम में अपने व्यक्तित्व के अनदेखे पहलुओं अनगढ़ टैलेंट को तलाशे। मेरी ऐसी कामना है कि आयोजन ऐसे समय होने जा रहा है जब मई के महीने में जम्मू कश्मीर में G20 का कार्यक्रम आयोजित है। मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा इस कार्यक्रम में शरीक हो रहे जम्मू और कश्मीर के विद्यार्थियों को चिन्हित करेंगे, जो G20 के आयोजन में जो सांस्कृतिक कार्यक्रम सरकार की ओर से होगा उसमें वो प्रतिभागी बन सकेंगे। मैं फिर से आप सबके प्रति हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ और जो विद्यार्थी प्राध्यापक और प्रबंधक जम्मू कश्मीर के बाहर के विश्वविद्यालय से आए हैं उनका विशेष रूप से स्वागत करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि जम्मू विश्वविद्यालय जम्मू कश्मीर प्रशासन के लोग उनके स्वागत में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे, वो एक अच्छा अनुभव लेकर के जाए। मुझे लगता है कि हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। देशभगत यूनिवर्सिटी पंजाब कोर्सेज ऑफर्ड PhD, पोस्ट ग्रेजुएट, अंडर ग्रेजुएट, PG डिप्लोमा, डिप्लोमा सर्टिफिकेट। कॉन्टैक्ट अस फॉर एडमिशंस।